हेलो गाइस, राधे राधे एंड सबको हैप्पी जन्माष्टमी। वेलकम टू माय एक और नया ब्लॉग। सो आज का सीन ये है कि आज जन्माष्टमी है, तो आज बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ बनेगा, तो जितना भी हो सकेगा हम शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। जो भी मैं बनाऊंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और ब्लॉग थोड़े बहुत अच्छे नहीं आते, मुझे भी पता है, बट मैं धीरे धीरे ही सीखूंगी और मुझे जब कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूंगी। अभी मेरे को इतना ही मिलता है तो मैं वो सब शेयर कर देती हूँ, सो उसको माइंड मत करना और मुझे सपोर्ट करते रहना। थोड़ा ही सही, बस थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहो। जब बेस्ट आने लगे तो और ज़्यादा कर देना। मैं अभी इतनी ही उम्मीद रख रही हूँ आप लोगों से। सो सबको हैप्पी जन्माष्टमी। जैसे कि मेरी हैप्पी, मतलब कि जन्माष्टमी मेरी बहुत अच्छी है, वैसे आप सबकी भी बहुत अच्छी हो। मैं यही भगवान जी से प्रेयर करती हूँ और नेक्स्ट जन्माष्टमी जब तक आए तब तक आप सबके सपने पूरे हो जाएं, मेरे भी पूरे हो जाएं, मुझे भी जो मेरे कुछ सपने हैं तो मेरे पूरे हो जाएं। सो हैप्पी जन्माष्टमी सबको, और चलते हैं जो भी होगा देखने का। तो यहाँ पे बर्ग स्टार्ट, मतलब काम स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि बहुत सारा होता है और बनाने को ये है कि आप कुछ भी बना लो, मतलब जितने आपके अंदर ताकत है ना, बहुत सारे 56 वोग, इतने वोग, 108 वोग, जितने भी बना सकते हो आप बनाओ, वो आपके ऊपर है। तो वो जो भी बन जाता है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है बनाने में, आप दोपहर में स्टार्ट करो रात तक कहीं बन पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खाना बनाने ये, मतलब लोग बोलते हैं कि खाना बनाना बहुत सरल है, तुम करते ही क्या हो, तुम सिर्फ खाना बनाती हो, या फिर जैसे ये लोग बोलते भी हैं जो लोग, तो भैया वो गलत बोलते भी। खाना बनाना, मतलब ख़ास करके गर्मी में किचन में खाना बनाना बहुत बड़ी बात है। सो सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो यही है कि भाई बहुत सारा टाइम लग गया, और लगभग हमने स्टार्ट किया था 4 बजे स्टार्ट किया था शायद बनाना। अभी ये गरी तो मैं कट कर रही हूँ शायद 2 बजे, तो उसके बाद 4 बजे स्टार्ट किया था और 9:30 तक बन पाया था पूरा, 9:30 तक बन पाया था पूरा। वो भी पंचामृत तो शायद इसमें मेरे को दिखाया भी नहीं पाई मैं, क्योंकि वो मैंने बनाया था 11:30 या 11:30 पर बनाया मैंने, क्योंकि मैंने सोचा था उसी टाइम बनाएंगे। तो ये यहाँ पे गरी फ्राई हो रही है मेवा का पाक बनने के लिए, और मतलब और भी जितने ड्राई फ्रूट हैं सबको फ्राई करेंगे, तो उसको इसके बाद पाक में डाल देंगे। चाशनी हमारी हो गई टाइट, क्लियर पक गया। अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स अपने। मुझे साथ साथ कैमरा चलाना पड़ रहा है तो मेरे से ढंग से नहीं हो पा रहा है। हम इसको कर देंगे बंद। मेवा पाक बन के रेडी हमारा, की थाली में अभी ये थाली में अब जमा दिए, तो मेवा पाक बन के रेडी हो गया। और दूसरी रेसिपी हम बनाएंगे पंजीरी। यो केक बन गया गाना जी का केक। अब इसको धनिया पाउडर को करना है रोस्ट, ये श्री कृष्ण का फेवरेट वो है, उसको थोड़ी देर रोस्ट करेंगे जब तक इसमें खुशबू नहीं आने लगती, इसमें बूरा डालेंगे। उतना ही डाल दिया इसमें बूरा, हल्की आंच को भूनते रहेंगे। इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट, दिखाते हैं एक हाथ से कैमरा तो हम बना नहीं पा रहे। ये बन गई धनिया पंजीरी, उनका भी फेवरेट है। इसमें अब तुलसी पत्ता रखना और बाकी है बस। ये बनेंगे मेथी आलू, ये मिक्स वेज की प्रिपरेशन, ये पंजीरी के लिए ये धनिया पंजीरी, ये उबल गए छोले, ये बनने बटा गया आलू। तो ये मतलब कि सारी सब्जियां फ्राई हो रही हैं मिक्स वेज के लिए, और ये वहाँ पे फ्राई कर रहे हैं हम।
नो ऑनियन नो गार्लिक मिक्स वेज रेडी, बिना प्याज लहसुन की मिक्स वेज है ये। बीच मशीन चलो, अभी पूरा मतलब कि बन भी नहीं पाया, बाकी है बहुत कुछ। मेरे शक्ल की हालत देखो, पूरा तिलक अलग कहाँ पे आ गया, थक गया पूरा, भींग गई मेरी टी शर्ट, पूरी भींग गई पसीने से भींगी और मुझे पता भी नहीं चली। बहुत बड़ा काम है यार ये, बन के हो गया रेडी। केले का रायता, किसका रायता? केले का रायता। इतने आइटम बन गए, पूरे तो दिखाई भी नहीं पा रही हूँ मैं, सीधा थाली सजा के मैं दिखाएंगे, सजा के दिखाएंगे थाली को। ये हो गई है हमारे कान्हा की झांकी रेडी। तो कान्हा जी बैठेंगे, पूरा हमने ऐसे किया है। हेलो गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी। ये देखिए आपकी सुपरस्टार ब्लॉगर पूड़ियाँ बना रही है जन्माष्टमी के लिए। सुबह से बना रहे हैं हम, पता नहीं क्या क्या बहुत सारा आइटम। से हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। उसी तो कहेगा दो कैमरा ऐसे करके बनाओ जाते। तो ये बन के रेडी हो गई हमारी भोग की थाली। फिर हम एक एक करके बताते हैं, पहले अभी भोग की थाली। इसमें ये दही आलू, मठे के आलू हमारे यहाँ बोलते हैं, ये मिक्स वेज है, ये केले का रायता है, ये खीर है, पकौड़ी है, बीच में रुक जाओ थोड़ा, ये छोले हैं, ये मेथी आलू है, ये आटा पंजीरी, पूड़ी, कचौड़ी, ये धनिया पंजीरी, ये केसब के लिए है, ये मेवा, ये धनिया पंजीरी रख दी, ये ड्राई फ्रूट्स नॉर्मल, ये दही, ये मिश्री और मक्खन, और कहीं होगा मक्खन भी अभी रखेंगे, मक्खन की वो जगह खाली है। दैट्स फ्रूट। अभी हमारे केशव होंगे रेडी, अभी सिर्फ नॉर्मल बैठे। ये है उनकी ड्रेस, ये झांकी है हमारे केशव की। यस ये कैमरा मैन एक अलग चल रहा है। हेलो गाइस, तो गाइस कान्हा की पूजा का नेक्स्ट ब्लॉग सेकंड पार्ट आएगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए अभी इसे यहीं एंड करेंगे।